Hi students, welcome at KidCan Digital Learning. I am your English teacher. Today I am presenting lecture number 1 and the topic is What is the time? From your English book We Learn English Class 3 published by Oxford University Press. Before starting our today's topic, I would like to advise you a few tips for effective learning and takes maximum benefit from KidCan Digital Learning. Like and subscribe your school channel so you will not miss any video. Carefully listen and watch video from start to end. Find out the answer of the question from the video. You have to watch the video multiple times until you have find the answer. Let's start our topic. Our topic is unit number 1. What is the time? It's 5 o'clock. Amber gets up very early in the morning. 5 बजे का वक्त था और अंबर सुबह जल्दी उठ गई थी. इट इज़ स्टिल डार्क आउटसाइड. बाहर अभी तक अंधेरा है. शी फील्स वेरी नर्वस. टुडे इज द फर्स्ट डे इन हर न्यू स्कूल. नर्वस मीन्स घबराहट होना. वो बहुत घबरा रही है क्योंकि आज उसका स्कूल में पहला दिन है. हर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्राम क्वेटा टू रावलपिंडी. उसके फादर का ट्रांसफ़र हो चुका है क्वेटा से रावलपिंडी, जिसकी वजह से वो अपने ओल्ड फ्रेंड्स को और टीचर्स को बहुत मिस करती है. लाइक शी मिसेस हर ओल्ड फ्रेंड्स एंड टीचर्स. शी मिसेस द माउंटेन्स एंड द स्नो. वो क्वेटा की पहाड़ और स्नो को भी बहुत ज़्यादा मिस करती है. शी डजंट नो एनीवन इन हर न्यू स्कूल. वो अपने नए स्कूल में किसी को भी नहीं जानती. शी डजंट वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ बेड. और उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है जिसकी वजह से वो बेड से बाहर निकलना नहीं चाहता. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ एंड द टाइम नाउ इज़ 8 o'clock. अंबर इज़ सिटिंग इन क्लास 4. अब 8 बज चुके हैं और अंबर अपनी क्लास में बैठी हुई है जो कि क्लास 4 है. देयर आर 11 बॉयज़ एंड 9 गर्ल्स इन हर क्लास. अंबर की क्लास में 11 बॉयज़ और 9 गर्ल्स हैं. Everybody looks at her. Amber feels nervous. हर कोई अंबर को देख रहा है जिसकी वजह से अंबर घबरा रही है. Nervous means घबराना. The teacher enters and takes the attendance. थोड़ी देर में टीचर क्लास में आती हैं और अटेंडेंस लेती हैं. She smiles at अंबर और अंबर को देख कर मुस्कुराने लगती हैं. And introduces her to the class. वो अंबर को क्लास से इंट्रोड्यूस करवाती हैं. अंबर स्टार्ट्स फीलिंग गुड एंड शी स्माइल्स. अब अंबर जो है वो नर्वस नहीं हो रही और उसे अब अच्छा महसूस हो रहा है एंड शी स्टार्टेड टू स्माइल. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पेज एंड नाउ द टाइम इज़ 11 o'clock. अब टाइम जो है वो 11 बज रहे हैं. अंबर सिट्स ऑन द बेंच इन द प्लेग्राउंड. इट इज़ ब्रेक टाइम. अंबर एक बेंच पर जाकर प्लेग्राउंड में बैठ जाती है और ये ब्रेक टाइम है. She eats a sandwich. A girl from her class comes to her. वो सैंडविच खा रही होती है. इतने में एक लड़की उसी की क्लास से उसके पास आती है. Her name is सारा, जिसका नाम सारा है. She offers अंबर some biscuits. Then she takes अंबर around the school. सारा अंबर से बिस्किट के लिए ऑफ़र करती है और फिर वो अंबर को स्कूल के अराउंड ले जाती है. She shows canteen. She takes her back to class after the break. सारा अंबर को कैंटीन दिखाती है और उसके बाद ब्रेक ख़त्म होने से पहले वो अंबर को क्लास में ले जाती है. Now the time is 1:30. यानी कि अब टाइम 1:30 बज रहा है. The bell rings. घंटी बजती है. School is over. अंबर puts her books in her school bag. स्कूल टाइम जो है वो ओवर हो गया है और छुट्टी हो गई है. अंबर अपनी किताबें अपने बैग में वापस रखती है. शी टेक्स हर टू द स्कूल गेट. सारा जो है वो अंबर को स्कूल गेट तक ले जाती है. शी वेव्स गुड बाय. सारा अंबर को गुड बाय कहती है. अंबर मेक्स 2 मोर फ्रेंड्स इन द स्कूल बस. जाते हुए वापसी में अंबर स्कूल बस में 2 और दोस्तें बना लेती है. नाउ द टाइम इज़ 6 o'clock. अंबर इज़ इन हर रूम. शी लुक्स एट हर न्यू बुक्स. 6 बज रहे हैं और अंबर इस वक्त अपने रूम में है. वो अपनी न्यू बुक्स देख रही है. शी राइट्स हर नेम्स ऑन हर बुक्स. शी डज हर होमवर्क.
She reads the timetable and packs her school bag. वो अपनी न्यू बुक्स और कॉपीज़ पे अपना नेम लिखती है, अपना होमवर्क करती है और टाइम टेबल को रीड करके उसके अकॉर्डिंगली अपना बैग पैक करती है. देन शी गोज़ आउटसाइड टू प्ले, और फिर वो बाहर खेलने चली जाती है. इट्स 9:30, 9:30 बज रहे हैं और अंबर इज़ इन हर बेड. शी थिंक्स अबाउट हर फर्स्ट डे एट स्कूल. शी लाइक्स हर टीचर हु इज़ काइंड एंड फ्रेंडली. She likes her new books and her new friends. She smiles and goes to sleep. अंबर सोने के लिए लेटी है और वो सोच रही है अपने फर्स्ट डे के बारे में. उसे अपनी टीचर बहुत पसंद है जो कि बहुत ही काइंड और फ्रेंडली हैं. उसे अपनी न्यू बुक्स और न्यू फ्रेंड्स बहुत पसंद आए. ये सोचकर वो मुस्कुराती है और फिर सोने चली जाती है. How Sarah introduces herself to Amber. Hello, I am Sarah. I study in class 4. I like painting and playing netball. I live near the school, says Sarah. Amber says, hello, my name is Amber. I am new student. I like reading books and working on the computer. I have one brother. His name is Ahmed. Now you have to answer this question. The question is, who does Amber miss? Amber kise yaad karti hai? Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic. Don't forget to answer the question and write the answer of this question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks, as total marks of this question will be added in your final term exams based on your reply of all questions. The marks of this questions are 10. Hope to see you in the next topic and learn more new concepts. Thank you. Bye-bye.